कर्नल अजय जी, यहाँ से बात करें अगर कम्युनिटी बाजार की, तो कम्युनिटी बाजार में आज सबसे पहले कृषि फसलों की बात की जाए तो आज आपको कपास में कैसा लगता है? क्योंकि कपास में हम देख रहे हैं कि उत्पादन भी घटा है और इस पर कीटों का प्रकोप भी देखने को मिला है, मांग भी ठीक ठाक है, कीमतें भी ठीक ठाक थी, लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि इस पर एडिशनल मार्जिन लगाया गया है 3%, और दूसरा ज्यादा प्रीमियम रहने की वजह से इसके निर्यात में हमने गिरावट दर्ज की है। ऐसे में आपको क्या लगता है कपास में अभी इस समय क्या करके चलना सही रहेगा और कैसा रुझान रहेगा? देखिए, कपास के लिए संभवतः मार्केट टाइम्स टीवी और हम लगातार तेजी की बात करते आए हैं, और ये तेजी हमने कपास का जो सीजन शुरू हुआ था सितंबर अक्टूबर, वहीं से आपको आपसे बात की थी। यदि हम क्योंकि आज सोमवार है, यदि हम पिछले सप्ताह देखें तो देश भर के प्रमुख उत्पादक राज्यों से लगभग 89,000 यानी 89,000 बेल्ड कॉटन की आवक रही है, और यदि हम लोग थोड़ा सा सिलसिलेवार चलें तो कुल आवक में पंजाब, हरियाणा, ऊपरी और लोअर राजस्थान से लगभग 20,000 बेल्ट की आवक हुई है, और गुजरात से 28,000 बेल्ट की आवक हुई है, उड़ीसा से कोई सूचना नहीं है, और महाराष्ट्र से भी लगभग 26,000 गांठों का की आवक रही है, मध्य प्रदेश से 5,000 का कंट्रीब्यूशन है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मात्र 7,000 बेल्ट का आवक है, और कर्नाटक की मंडियों में मात्र 3,000 गांठों की आवक है। ये मैं आपको दे रहा हूँ 15 जनवरी की जो के समाचार है। तो टोटल लगभग 89,000 यानी 89,000 जो बेल्ट की जो आवक है, ये कंपैरेटिवली बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। और ये भी गौरतलब है कि विभिन्न संगठन और जो कॉटन की इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर कटौती की बात कर रहे हैं, और शायद ये हो भी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि कॉटन के अंदर किसान इतना आसानी से अब और माल बाजारों में लेके आएगा। और जो ए ग्रेड की जो कॉटन है उसके अंदर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो तो उसकी तो शॉर्टेज बनी रहेगी आने वाले 3 से 4-5 महीने तक, ये तो आप मान के चलिए। और जहां तक सी ग्रेड का हल्का माल है, वो बाजारों के अंदर जैसे जैसे किसानों को जरूरत पड़ेगी अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, वो माल लेके आ सकता है। और मैं आपके माध्यम से जनता को ये भी कहना चाहता हूँ, किसानों को और कारोबारियों को, जो भी आंकड़े फसल के जो घोषित होते हैं, उन फसलों के आंकड़ों को का पुनः विचार और उनकी सत्यता और उनकी प्रामाणिकता के ऊपर भी काफी जोर होता है, क्योंकि उन आंकड़ों के आधार पर ही व्यापारी बहुत बड़ा निर्णय ले लेते हैं, जिनर्स बहुत बड़ा निर्णय ले लेते हैं, मिलर्स बहुत बड़ा निर्णय ले लेते हैं, और उनको नुकसान भी काफी होता है। गौरतलब है कि जिन्होंने माल नहीं खरीदा नीचे की दृष्टि से, जब माल ऑलरेडी 30-40% बढ़ जाता है उस वक्त माल खरीदते हैं, उसके बाद यदि गिरावट आती है तो वो दोनों तरफ से परेशान हो जाते हैं। और ये भी गौरतलब है कि ऐसे मार्केट जो विशेषज्ञ भी जो पहले गिरावट की बात करते हैं, जब तेज हो जाता है उसके बाद तेजी की बात करके वो सुपर तेजी की बात करने लग जाते हैं, और उसके बाद में जब वो एक सीमा के बाद में गिरते हैं बाजार, तो फिर वो गिरावट की बात कर जाते हैं और पहले की बात अपनी गौण हो जाती है उनकी। तो ये भी एक बड़ा विषय होता है कि कोई भी मार्केट विशेषज्ञ को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं। अब मुझे क्या लग जो मेरी गणनाएं कह रही हैं एस्ट्रो फाइनेंस की और फंडामेंटल्स की, क्योंकि अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर कॉटन ने अच्छी मूवमेंट दी है, और ये 119 सेंट से ऊपर इसकी मूवमेंट है, तो कुल मिला के बाजारों में फंडामेंटल कपास के बहुत मजबूत हैं। लेकिन जो छोटी अवधि के अंदर यदि कोई माल खरीदना चाहता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो छोटी अवधि के लिए माल खरीदना चाहता है उसको थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि एक 119 के लेवल के ऊपर और भारतीय बाजारों के अंदर भी तेजी के अंदर यहां से माल खरीदना आने वाले 10 से 15 दिन के लिए, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ तथ्य है, उसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और जहां तक लंबी अवधि का सवाल है, कॉटन के फंडामेंटल मजबूत थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक फ्रेश फसल नहीं आएगी रबी की, जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। सितंबर अक्टूबर के अंदर फिर हम लोग, अभी तो उसमें पूरा टाइम बाकी है, और जब तक किसानों को पूरा लाभ मिल सकता है उसमें सावधानी पूर्वक वो रखें माल तो बेहतर रहेगा, खासकर ए और बी ग्रेड का तो माल रोकने में ही भलाई है। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी,